दिख रहा है केतन? मैंने केतन ने लाइटली दिख दिख के उठा रखा बैग को. केतन, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. वेल, दिस इज मी कनिष्का, एंकर कनिष्का. एंड दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग सोलो. आपने टाइटल और थंबनेल से तो पता लग गया होगा, मैं जा रही हूँ लद्दाख. दिस इज ऑल न्यू एडवेंचर और अकेले जा रही हूँ क्योंकि मतलब ये मेरे दोस्त हैं, ये मुझे एयरपोर्ट फेंकने जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है मेरी फ्लाइट तो सुबह की है. बट बाय डिफॉल्टली इनका प्लान था कि एक रात पहले आकर, जल्दी आकर तेरे को फेंक देंगे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और मैं एयरपोर्ट पे पहुंच कर ताकि मैं पूरी रात वहां बैठकर लूडो खेलूंगी. ऑनलाइन खेलेंगे लूडो, है ना केतन? बिल्कुल. और इसको इसको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अकेले जा रही हूँ. मतलब इसको नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लग रहा. बिल्कुल, एंड टाइम पे तो पूछ रही है चलना. अच्छा मैं बताऊँ, मैं लद्दाख जाने का प्लान तो मैंने कर लिया, बट लद्दाख जाने का प्लान इट्स ऑल अबाउट रैंडम फॉर मी ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि मैं मतलब बाय डिफॉल्टली मैं मतलब इंस्टाग्राम देख रही थी, रील्स स्क्रॉल करते करते तुमसे लद्दाख की रील दिखाई थी मुझे, तो एक तो मेरे माइंड में वो क्लिक हुआ. दूसरा, एक दोस्त मेरा लद्दाख में रहता है तो उसने मुझे सिर्फ इतना बोल दिया कि यार मैं मतलब लद्दाख का वेदर ऐसा हो रखा होगा, ये होगा, यहाँ का प्लान कर ले. तो हमेशा बोलती रहती है, पता नहीं क्या दिमाग को मेरे को ऐसा लगा, हिप्नोटाइज करा उसने मुझे, मैंने टिकट कर दी एकदम से करके. फिर मैंने सोचा अब देखा जाएगा, और ऐसे करने के बाद में मैंने फिर सबसे पूछ लिया कि अब चलना है. और सबने, सबको जाना था पर सब नहीं जा पाए. देखा, दिस इज अ कॉल्ड ऑफ थिंग. सो मैं सोलो जा रही हूँ लद्दाख, एंड दिस टाइम मैं मेरा बैग पीछे रखा है, वैसे दिखाऊंगी मैं मेरे पास क्या क्या है. मैं मेरा बैग और मैं और तब हम ऑल सेट है सारे के सारे जाने के लिए. पैकिंग मैंने कर ली है बिकॉज मुझे ठंड का पता लगा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है. आई डोंट नो मच मोर अबाउट इट, लद्दाख के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मैं जा रही हूँ. दिस इज़ गोइंग टू बी अ सोलो ट्रिप अगैन यहाँ पे लद्दाख के लिए. और वैसे मैं अभी बहुत सारी सोलो ट्रिप्स कर रही हूँ दीज डेज, बट लद्दाख इज़ क्वाइट स्पेशल फॉर मी बिकॉज द वेदर एंड ऑल. और ठीक है, लेट्स सी, आई विल जस्ट सी यू अराउंड. मैं दिखाती हूँ एयरपोर्ट जर्नी, एयरपोर्ट पहुँच के देन उसके बाद में कितने बजे फ्लाइट होती है. आई एम श्योर कि मुझे विंडो वाली सीट मिल जाए, प्लीज़ यार, प्लीज़ प्रे करने वाली बात है तो, है ना, विंडो वाली सीट चाहिए मुझे. लव तो एवरीवन, मैं अभी एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ और अभी बस ये है कि यहाँ से मुझे केतन ड्रॉप करके जा रहा है. ये ड्रॉप नहीं कर रहा, एयर ड्रॉप कर रहा है. पता नहीं क्या ही कर रहा है, हद ही हो गई है, इतनी देर जाने देने का नाम नहीं. मेरी फ्लाइट को लेट हो रही है, मुझे पता है. इट्स द बेस्ट पार्ट व्हेन यू हैव द गुड फ्रेंड्स ना, सो यू डोंट सी कि टाइम का पता नहीं चलता. दिल्ली में मेरे जाते ही हर बार ऐसा भी होता है, जब मैं दिल्ली से बाहर जा रही होती हूँ, वेदर कितना बढ़िया हो जाता है भाई. बढ़िया देखो, हवा अच्छी चल रही है, मैं हो रही होती थी यहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ रही होती है. ओके, सो मेरी जो फ्लाइट है यहाँ से मतलब ले के लिए T2 से है. मैं T3 से आशा कर रही थी पर आशा मेरी ख़राब गई. अब T2 से है, T2 से मैं जाऊँगी जाकर, देन मैं फिर पहुँचूँगी एंड देन आई शो यू मेरा टिकट एंड प्रोसेस जो भी है. अभी बोर्डिंग पास आ चुका है सारा. इंडिगो की फ़्लाइट है, सुबह की फ्लाइट है वैसे तो, बट पूरी रात मैं यहाँ पे थोड़ा गेड़ी मारूंगी और थोड़ा सा लड़के ताड़ूंगी. सो फाइनली आई हैव क्लियर दी, मैंने कर दिया मतलब सिक्योरिटीज़. और जब भी कोई ट्रैवलर व्लॉगिंग करता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी क्योटिक फॉर देम, क्योंकि पूरा बैग एक एक चीज़ खुलवानी पड़ती है, एक एक तार खुलवा कर, एक एक चीज़ खुलवा कर दी, इवन योर चेकिंग, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं ना. बट पार्ट ऑफ द थिंग, आई गेस वी नीड टू चेक दिस. मैं लॉन्च देख रही हूँ, मिल जाए तो. फूड कोर्ट तो दिख रहा है मुझे, मुझे चाय भी नहीं है. लेट मी सी, वहाँ दिख तो रहा है. आई विल गो ओवर देयर एंड फिर बताती हूँ मैं. वी हैव इन सम अपडेट्स और जो दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. तो दिस टाइम तो प्रॉपर ट्रैवलिंग वाला नोट है, तो देखते हैं मुझे मतलब. और मुझे पीछे से ना कुछ दो लोग मेरे पीछे पीछे जा रहे थे. वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली बार डोमेस्टिक के अंदर ये देखा है कि इतना पेशेंस देखा है मैंने. जो चेकिंग कर रहे थे उन्होंने मुझसे चार बार मेरा बैग निकलवाया एंड दे वर लाइक कि कोई बात नहीं, आप आराम से डाल लो. बाकी सबको फिर भी उन्होंने बोला कि आप उधर से कर लो, उधर से कर लो. तो मेरे को फिर भी बोल दिया कि आप आराम से कर लो एंड देन आराम से करने के बाद मैं अब कर लेना. और एंड एट दी एंड आई हैव डिड दिस थिंग, आराम से क्लियर तो हो गया. अब नाउ आई एम जस्ट चेकिंग फूड कोर्ट और थोड़ा सा सीट का भी बताऊँगी. सो सीट के अंदर थोड़ा चेंजेस है. तो मेरी फ्लाइट वो वाली है, दिख रही होगी 5:40 वाली, ले वाली. और अभी रात की बज रही है कि कितने हो रहे हैं, 2 बजने वाले हैं. तो वी हैव गुड 3 घंटे, तो 3 घंटे टाइम पास करने के लिए जगह चाहिए. लॉन्च ढूंढ रहे हैं.
देखते कि लाउंज के अंदर कुछ मिलता नहीं मिलता और फिर पता करते हैं। पर सो गाइज मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे अपने गेट के बाहर, मतलब 32 से बोर्ड होगी फ्लाइट। तो अभी टाइम है पूरा 3 घंटे है अप्रॉक्स, अभी 3 ही घंटे बचाएगा इस, क्या टाइम रहा है, 3 घंटे गुड 3 आवर्स हाँ। अभी एयरपोर्ट पे बैठी हूँ, चाय की तलब लग रही है। पहले सोचो चाय पी लूँ या थोड़ा सो लूँ, क्योंकि सो गई तो चाय नहीं पी पाऊँगी, चाय पी ली तो सो नहीं पाऊँगी, दोनों में से एक चीज़ कर सकती हूँ। एंड अभी आई डोंट नो किस तरीके से क्या क्या चीज़ जाने वाली, बिकॉज सिक्योरिटी की मैं बता रही थी, मैं इस बीच में भी ना लॉन्च के लिए गई थी, लॉन्च एक्सेस के लिए गई थी, तो वहाँ जाकर मैंने देखा एक तो लंबी लाइन थी, ऊपर से मुझे ऐसा लगा कि इस लॉन्च में घुसने के लिए आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। एंड सम हाउ आई मैनेज टू डू दिस थिंग, दी एट दी एंड दे वॉज लाइक कि मैम वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दीज कार्ड्स। तो मैंने कहा भैया तो हमारे पास में मेरे को स्पेशल कार्ड्स बनवाने पड़ेंगे, मतलब दीज कंडीशंस पे। बट वेल एंड वेल मुझे नहीं बैठना था, बिकॉज आई हैव सीन वहाँ पे कुछ ज़्यादा वो नहीं था, और ऑलरेडी बहुत फ्लडेड था, मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, तो मेरा वैसे ही मन नहीं होता, मेरे को लगा था इतनी शांति तो है नहीं, अब शोर तो वैसे ही मच रहा है, क्या फ़ायदा लॉन्च में बैठने का इतना। तो एटलीस्ट यहाँ पे ठीक सा लग रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, एंड देखते हैं अभी 3 घंटे हैं, 3 घंटे काटेंगे कैसे कटेंगे। मैं तो सोचूँ थोड़ा जाकर चाय वाय लेकर आती हूँ, चाय पीती हूँ, एंड देन विल टेल किस तरीके से जाती है चीज़ें। लेट्स गो। This is one of the good starting. So well, the journey finally starts from here, and I'll show you क्योंकि अभी boarding start हो गई है, पता नहीं 3 घंटे काटने भारी हो गए, and right now I'm super excited. I'll show you how the things gonna start, like there's the tickets. एकदम से स्लाइटली वेदर चेंज हुआ है यहाँ पे, 37 डिग्री से 3 डिग्री पे आना, और मेरे हिसाब से पता लग रहा हूँ गला सूख रहा है, थोड़ा स्लाइट चेंज है, और भी रीच लद्दाख यहाँ पे। उषा आप भी अच्छा इधर हूँ, अच्छा इधर आपको गड़ी दिया, कौन सी वाले उषा वाले ले जाओ। तो यहाँ से वैसे मेरे पास में कोई बुकिंग्स नहीं थी, तो वी टुक दी यहाँ से लोकल टैक्सी, मैं आगे बैठूँगी, मुझे पीछे फील वो जी होता है। अभी और भी लोग आएंगे क्या? हाँ लोग भी आएंगे, अभी मैं आगे बैठूँगी। हाँ अभी तो आने दो पहले, जब आएंगे तब बैठेंगे। कितने देर में चलेंगे? इसमें लैपटॉप है, इसको इसमें लैपटॉप है, मैं अपने पास रख लेती हूँ, इसको आगे रखो। हाँ जी अभी जब तक नहीं, अभी आने दो, थोड़ा बैठे बैठे ही आई हूँ मैं, अजीब सा लग रहा है मुझे। अच्छा अभी नहीं चलो, अभी आप चल रहे हैं? हाँ हाँ तो चलो फिर। अच्छा मेरे को लगा आप बिठाओगे अभी और किसी को, आपने बिठाने ही नहीं, तो फिर चलो फिर और क्या। हाँ ठीक है, फिर लैपटॉप ध्यान से रख दीजिएगा बस। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं बैठ गई हूँ
यहाँ से सीधे अब मूशा अपने हॉस्टल की तरफ चलेंगे। और मेरे नेटवर्क नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। अब वो सिम क्या है? जियो की है, पर मैंने पोस्टपेड करवा रखा था, पोस्टपेड करवा दिया था, जीरो हो गया नेटवर्क। तो मैं 10 बार तो कर चुकी हूँ। भैया आप यहाँ पे यहीं के हैं लोकल? अच्छा भैया, वो वाले भैया बाय कर रहे थे। हाँ मैं वही देख रही हूँ, वाले भैया बाय कर रहे थे। कहाँ हैं? बैठे? बाय बाय। तो ये भैया यहीं के ना भैया के लोकल? अच्छा, कब से यहीं से? बचपन से रह रहे हैं? हाँ जी। अरे वेदर कैसे रहता है? ऐसी मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा अभी है? हाँ बस अभी थोड़ा सा वैसा लग रहा है, सांस फूल रही है थोड़ी सी, बाकी तो नॉर्मल नॉर्मल है। तो अभी यहाँ से मैं अपने हॉस्टल की तरफ जाऊँगी। फ़ोन के नेटवर्क गायब हो गए हैं, पहले नेटवर्क सॉर्ट कराने, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आई कैन नॉट डू इवन द पेमेंट, अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी इस तरीके से, तो मैं कहीं भी नहीं रह पाऊँगी। और इस बीच में मैं रास्ता दिखाती हूँ कहाँ पे कैसे कैसे है। और भैया ने बिठा लिया है, हम इसे दिल्ली में इस वाली गाड़ी को बताइए क्या बोलते हैं, किडनैपर वैन बोलते हैं कि ओमनी में बैठ कर किडनैपर वैन जैसी फील आती है। बट स्टिल आगे का व्यू देखो, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। Excuse me. माय हॉस्टल कुछ ऐसा था, रिसेप्शन पे कोई नहीं है अभी, देखते हैं। पता नहीं शायद इनकी ड्यूटी लेट शुरू हुई थी अभी, इसलिए शायद से रिसेप्शन से हो गए। कुछ दिख जाए कर चुकी हूँ चेकिंग आज यहाँ पे, और अभी कुछ शॉट ही फ़ोन से आ रहे हैं तो कुछ शॉट GoPro से आ रहे हैं, दो अलग अलग जगह से शॉट आएंगे। यहाँ थोड़ा सा ये है कि धूप सिर्फ दिन में आती है, शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा वैसा हो जाएगा। एंड ऑल्सो आज कहीं जाना नहीं है मुझे, बट मैं तो बेशक मैं पहुँच चुकी कहीं ना कहीं, तो थोड़ा फ्रेशन अप होकर जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं अच्छे से, एंड देन विल सी क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। और
बाय डिफॉल्टली जैसे कि होते हैं कि हर बार की तरह मेरी डोमेट्री के अंदर आज कोई नहीं है, तो आज पता नहीं मेरे को लग ही नहीं रहा मेरा मन कैसे लगेगा, सोच तो रही हूँ। लच्ची देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बाकी ज़्यादा और कोई नहीं, सारी खाली पड़ी हुई, गोरा रुका हुआ है वो भी पता नहीं कहाँ से है, पता नहीं थोड़ा रूढ़ी है, अलग ही है उसका लेवल। बाकी पीछे का व्यू बहुत प्यारा है, सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर। तो अब देखो कि तो मतलब आज मुझे बताया कि आज क्या क्या करना है, आज क्या क्या कर सकते हैं, आज कर सकते हैं। पहले तो एक्मिनिटाइज के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा वेदर अडेप्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एनीवे मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ हो सकती है, सो आई प्रिपेयर फॉर इट। मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, एंड देन विल सी। शांति ठीक है, स्टिल समवेयर दा तो कांगड़ी ओके। पीपल यूज्ड टू गो ओवर देयर, यस, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, सो दे यूज्ड टू गो देयर एंड दे हैव लिटर सो मच कि दे हैव बैंड द ट्रैक इटसेल्फ बिकॉज़ ऑफ लिटरिंग सिंस 6 इयर्स ओके 6 इयर्स नो दे सेड दे ओपन इट बट इट्स लाइक कोर्ट इज स्टे इट्स लाइक they are fighting with the court ki like open karwayenge, court is like nahi, so it's a two and four, the stay is still there by He's a nice like tour guide, I would say. 400 रुपए में इन्होंने सब कुछ घुमा दिया बैठे बैठे। 400 में नहीं, 40 भी नहीं देंगे हम इसके। सही बोला ना, 40 भी नहीं देंगे क्योंकि तुमने ढंग से नहीं घुमाया, अंदर से कौन दिखाएगा? मैंने कहा मैडम ने घुमाया है। वो तो उसको तुमने घुमाया, हाँ? मैडम देखता इधर से मेरे बातों से, ऐसा बोलता मैं, नहीं अब तूने बोल, अरे बोल, री रिकॉर्ड कर।